सावन में सुने गुरुवार प्रदोष व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, अनुभव ज्ञान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। हर हर महादेव। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वह गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। इसे बृहस्पतिवार प्रदोष व्रत भी कहते हैं। गुरु प्रदोष व्रत रखने से भक्तों के अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और पूर्वजों के आशीर्वाद से घर में धन दौलत संपदा की बारिश होती रहती है। आइए सुने गुरु प्रदोष व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः और नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय दे दूँ। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख हुआ उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती तो माता पार्वती ही है। तब माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महादेव के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतियों में तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों का उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्ठा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृतासुर बाल्यकाल से ही शिवभक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। प्यारे भक्तों, बोलिए पार्वती पति शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर लिखें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है और हम अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।